किरण लगी। महिलाओं को संवर्धन के लिए, उनके स्वावलंबन के लिए क्या हुआ माननीय मुख्यमंत्री, महिला मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना चलावा खड़ा, प्रत्येक साल 12,000, प्रत्येक महीना 1,000। नीना जब चलाओ खड़ा पहली बार रे 48 लाख पूरे झारखंड में महिला को निर्णय तक अच्छा देती, 48 लाख के खाता में पैसा गया। जब नीना उड़ी ना कि 18 साल महिला को शादी का उम्र 18 साल में महिला वयस्क मानी जाती है, 21 साल तय कि ना इसको जो है ना 18 साल हम लोग का सरकार ने किया, आंडो कम से कम 20 लाख महिला को संख्या में बढ़ावा किया मैंने। 48 लाख से बढ़कर अभी 53 लाख हुआ करना, निर्णय ना प्रोसेस चलावा करना, और भी महिलाओं का संख्या इसमें बढ़ने का स्थिति है। जब बीजेपी वाला को नल गिरा चुनाव बिठाओ तो ना, तो ये लोग एक सिगुपा तैयार कर दिया ना, तो चका भूल गए चिना गो गो दीदी योजना चिना को मन गिरा 2100 रुपये ले हमें अपन ना, इनमें आधार कार्ड लिंक का मामला है ना, इन तारा पासबुक रिया IFSC कोड है ना, कोई अथॉरिटी का उस पर साइन है, माने सामान लीफलेट में गोगो दीदी और कहते हैं नुतुम में इट कहते हो तो कुछ चकात कोतना बीजेपी है सरकार हो जोड़ दे 2100 रुपया हम लोग करेंगे। मैं तो बगल राज उड़ी सर है 6 महीना पहले विधानसभा भवन टेकना माझी जी वहां के मुख्यमंत्री है, उस समय लोग प्रचार किया था कि हम लोग सुभद्रा योजना में 855 रुपया हम लोग देंगे, ये बात उन लोग ने घोषणा किया था। एंड चुनाव बना जब सरकार बना बीजेपी का ही है उड़ीसा में सुभद्रा योजना लागू किया 855 रुपया महीना वाला, क्या किया जिस घर में वृद्धा विधवा को पेंशन मिलता है उसको उसका लाभ नहीं मिलेगा, जिस घर में मोटरसाइकिल है उसको उसका लाभ नहीं मिलेगा गाड़ी है, जिस घर में पक्का मकान है या चादरा का भी घर है यदि नीचे प्लास्टर है मैंने बस पक्का है तो उसको भी उसका लाभ नहीं मिलेगा। तो क्या हुआ उड़ीसा में सुभद्रा योजना 1% महिला को भी उसका लाभ नहीं मिल पाया, और उसके बाद क्या बोल दिए सबसे ज्यादा कि उसको आधार कार्ड से लिंक करना होगा। जब उड़ीसा के महिलाओं ने आधार कार्ड से लिंक करना जोड़ दिया तो जो भी महिला के खाता में 10,000-20,000 था सारा का सारा पैसा गायब हो गया। देखिए बीजेपी वालों का उड़ीसा में कलामत आप लोग देख लीजिए सुभद्रा योजना का, जब चुनाव आ गया उड़ीसा में सरकार बना करके टरका दिया महिलाओं का खाता से भी पैसा ले लिया भारतीय जनता पार्टी वाले लोगों, समझाओ पे चिलिका ने को पार्टी को उड़ीसा में बोल दिया 300 यूनिट फ्री बिजली देंगे हम लोग विधानसभा चुनाव में, जब सरकार बनाया डॉक्यूमेंट चले तो 16 या 300 यूनिट का हम लोग बात किया था, 300 यूनिट फ्री बिजली का हम लोग बात नहीं किया था, नहीं उड़ीसा को कहीं इतने ना भारतीय जनता पार्टी वाला इनामते गोगो दीदी भी नहीं चलेगा, 2 करोड़ नौकरी भी खत्म हो गया, 16 लाख रुपया प्रत्येक का अकाउंट में आना भी खत्म हो गया, और बहुत सारा ऐसा लंबा परिहस्ती है इन लोगों का घोषणा का, भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ा ठगबाज है इन आजकल पे, जितना को जो उतना आसाम से भी लोग आके ठगने का जो है ना नया नया ड्रामा शुरू कर रहा है, उधर छत्तीसगढ़ से भी आके कर रहा है, उड़ीसा से भी आके कर रहा है, उड़ीसा वाला बयान दे दे रहा है सरायकेला खरसावां तो उड़ीसा में मिले होगा, तो सुभद्रा योजना में जो महिला को सरकार के प्रति सम्मान बढ़ावा करना पिछला कैबिनेट रे अब सरकार 2500 रुपया महिला सम्मान योजना में बढ़ाने का कैबिनेट से निर्णय लिया, दिसंबर महीना के 7 दिन कुयन को अकाउंट रे 2500 रुपया प्रत्येक को खाता से नौकिया सरकार अब डिसीजन आने एंदो हेमा।